हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ भरवा करेले की सब्जी, जो कि बहुत इजी रेसिपी है। मैंने भरवा करेले बनाने के लिए करेलों को नाइट में नमक में रखा था एंड मॉर्निंग में उसे अच्छे से वॉश करके उसके अंदर मसाला फिल करके उसे डोरी के साथ या आपके धागे के साथ बांध के रखा है ताकि मसाला उसमें से निकले ना। फिर हम एक पैन में ऑयल लेंगे, उसे अच्छे से गर्म करके सभी करेलों को वन बाय वन उसके अंदर डाल देंगे और हम उस टाइम गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और एक एक करेले को डालकर हम उसे पकने देंगे। हमने देख आप देख सकते हैं मसाला इस करेलों में से बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है क्योंकि हमने मसाले को अच्छे से फिल किया है। और उसके बाद उसे एक धागे से, जो कि हम नॉर्मली कपड़ा सिलने वाला जो धागा होता है, वो धागे से हमने उसे बांध दिया है ताकि मसाला नहीं निकले। और जो थोड़ा बहुत मसाला निकलेगा वो इसी में ही मिक्स हो जाएगा। अब हम उसे फुल गैस को फुल फ्लेम पे कर देंगे और उसे अच्छे से पकने देंगे। देखिए, हम इसे अभी भी हिला नहीं रहे हैं। अगर हम इसे ज़्यादा हिलाएंगे तो वो बहुत जल्द से जल्द मसाला निकल जाएगा। हम इसे हिला नहीं रहे, हमने गैस को फुल फ्लेम पे रखा है और हम इसे ऐसे ही रहने देंगे 2 से 3 मिनट तक। देख सकते हैं 2 से 3 मिनट बाद कैसा हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया है, मसाला भी धीरे धीरे पकने लगा है और अब हम इसे फुल फ्लेम पे ही रहने देंगे। अगर जो बाद में हम देखेंगे कि 5 मिनट हो चुके हैं, आफ्टर 5 to 6 मिनट्स बाद आप देख सकते हैं ऑयल सारा ऑब्जर्व हो गया है, मसाला भी देख सकते हैं आप कितना अच्छा हो गया है। और अब हम इसे धीरे धीरे बीच में स्टर भी करते रहेंगे। आप देख सकते हैं मसाले का कलर भी ब्राउनिश हो गया है, गोल्डनिश, एंड देखिए करेले भी कितने अच्छे लग रहे हैं। करेलों को अब हम धीरे धीरे हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे पैन में चिपके नहीं, एंड हम गैस को भी मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और गैस को हम इन करेले को कवर नहीं करेंगे और हमारे करेले